हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ये जो कैटेगरी है इसके अंदर कई सारी ड्रग्स आती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस भी ड्रग के नाम के पीछे अगर आपको दिखे कौन सा वर्ड माइसिन, तो आपको क्या समझना है, ये वाली जो ड्रग है वो कौन सी हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन सी ड्रग्स आती है। सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कौन सी, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, केनामाइसिन, नियोमाइसिन, पैरामोमाइसिन और टोब्रामाइसिन, और एक हमारे पास कौन सी, सोफ्रामाइसिन। इसके अलावा भी कई सारी ड्रग्स आती हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ पे केवल उन ड्रग्स को मेंशन किया है जो हमें इम्पोर्टेंट दिखे थे, ठीक है। ये याद रखना कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये ऐसी अमाइनो ग्लाइकोसाइड है जो कि फर्स्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, मतलब सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी ये वही अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोफ्रामाइसिन के बारे में, तो सोफ्रामाइसिन जो होता है इसको हम फ्रामाइसिटिन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रामाइसिटिन जो है इसके नाम के पीछे सफिक्स में सिन नहीं आ रहा, ठीक है, बट फिर भी क्या है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो देखिए यहाँ पे सबके नाम के बीच में क्या आ रहा है, माइसिन, सिन, माइसिन, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब एटलीस्ट सिन तो आएगा ही आएगा, बाद में क्या है, माइसिन भी आ सकता है, नहीं भी आएगा, क्लियर फ्रेंड्स। अब आके हम बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। मतलब हम ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि ये सारे अमाइनोसाइड्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किसी अमाइनोसाइड्स के, अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में, तो होता क्या है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होता है उसके अंदर टू और मोर देन टू अमाइनो सुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है अमाइनो ग्लाइकोसाइड में, अमाइनो मतलब अमाइनो सुगर जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसके अंदर दो या दो से ज्यादा अमाइनो सुगर होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज के द्वारा जो हेक्सोस रिंग होती है शुगर के अंदर उससे क्या होता है, अटैच होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात होती है कि ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं। अब आपको पता है कि जो सब्सटेंस पोलर होता है वो हमारी बॉडी से, हमारे जीआईटी से पोअरली एब्जॉर्ब होता है, क्यों, क्योंकि जो जीआईटी है, ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर जो होती है उसकी वजह से क्या है, हाई जो पोलर होते हैं सब्सटेंस वो एब्जॉर्ब इतनी जल्दी से नहीं हो पाती, तो पुअरली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से। इस वजह से क्या है, हम इसको ओरली नहीं देते, हम किसके लिए प्रेफर करते हैं, आईजीएम और आईवी के थ्रू प्रेफर करते हैं। तीसरी बात हम करें कि ये जो ड्रग्स होती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यूरिन के अंदर ये अनचेंज फॉर्म के अंदर जो है क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मेटाबोलाइज नहीं होगी कोई ड्रग तो यूरिन के अंदर क्या होगा, वो अनचेंज फॉर्म में निकल जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है वो बैक्टीरियासाइडल होती है या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होती है वो बैक्टीरियासाइडल होती है। तीसरी बात हम करें और नेक्स्ट बात, तो ये है नेक्स्ट पॉइंट कि मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पुअरली पेनेट्रेट इन सीएसएफ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है, मतलब कि ब्लड वगैरह जो है उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास इसका वो ये है, ठीक है, मतलब क्या है कि जो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती है ये इनका एक एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये ऑटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है, ठीक है। मतलब ये जो ड्रग्स होती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है कॉज करती है। हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है कैसे होता है। फिर हम बात करें कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड का बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। इस वजह से क्या है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उन पे ये एक्ट नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में।
देखिए होता क्या है, मोड ऑफ एक्शन के अंदर अगर हम बात करें, मैंने बताया था कि ये जो होती है, जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, सबसे पहली बात कौन सी है, ये जो ड्रग है वो हमारे पास कौन सी है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो होगा क्या कि सबसे पहले क्या होती है, जब ये सेल के अंदर एंटर करती है, ठीक है, टोटली क्या है, टोटली आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है, तो होगा कैसे, कैसे इनहिबिट कैसे होगा ये प्रोटीन का सिंथेसिस, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एंटर किया, जब एंटर करती है तो उस टाइम पे मैंने पहले बताया है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड को बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एंटर करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट ऑक्सीजन ये सेल वॉल के अंदर सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो एंटर करने के बाद क्या होगा, ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है 30S बैक्टीरिया के अंदर, उसके साथ क्या होती है, बाइंड होती है, और बाइंड होने के बाद क्या करती है, बाइंड होने के बाद ये दो काम करेगी, कौन कौन सी दो काम करेगी, देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रग उससे बाइंड हो गई, अब 30S राइबोसोम जो है उस पर क्या होगा, नॉर्मली उस पर सिंपल सी बात है, राइबोसोम पे क्या होता है, mRNA आके अटैच होता है, और mRNA पे क्या होता है, tRNA आके अटैच होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बट इसने क्या किया, 30S पे बाइंड किया, 30S से बाइंड करने की वजह से क्या हुआ, दो काम हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो क्या होगा कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, उस प्रोटीन का सिंथेसिस उसका इनिशिएशन ही रुक जाएगा, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही रुक जाएगी, या फिर अगर मान लो प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट ही नहीं हुआ तो स्टार्टिंग रुक जाएगी, और अगर मान लो चल रहा है उस टाइम पे ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोम से अटैच हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कोडोन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, मिसरीडिंग पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे का जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो खराब हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, अगर सपोज एक मिसरीडिंग पैदा कर दी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था उसका प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो गया, मतलब वो करना बंद हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया, या फिर क्या होगा, इंसर्शन ऑफ रॉन्ग अमाइनो एसिड इनटू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, मतलब जो पेप्टाइड चेन बन रही है प्रोटीन सिंथेसिस से, उस प्रोटीन सिंथेसिस से जो पेप्टाइड चेन बन रही है उसके अंदर कोई गलत अमाइनो एसिड मान लो उसके अंदर इसने डाल दिया, गलत अमाइनो एसिड चल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पूरी प्रोटीन है वो खराब हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी वजह से क्या होगा कि डिफेक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और ये जो डिफेक्टिव प्रोटीन होता है ये बैक्टीरिया की सेल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर अटैच हो जाता है। ठीक है, और अगर ये काम हो गया, मतलब डिफेक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमियेबिलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, और परमियेबिलिटी चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, और डिसरप्ट होने की वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बैक्टीरियोसाइडल होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन वगैरह, ये बैक्टीरियो एस्थेटिक होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो है कॉमन प्रॉपर्टी हो गया अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का, मोड ऑफ एक्शन हो गया, कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ये हमने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ क्या होता है, एक टर्म अटैच होती है जो है हमारे पास, कौन सी, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। देखिए, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, आपने कोई एंटीबायोटिक ली और वो एंटीबायोटिक क्या है, सीरम के अंदर जो है, अगर मान लो उसकी जो मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है उससे कम होने पर भी वो काम कर रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इज प्रेजेंट इवन व्हेन सीरम कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो MIC, क्लियर। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की, तो वन डे डोज रेजिमेन इज इफेक्टिव, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर क्या होता है, हमने एक बार किसी पेशेंट को एक बार डोज दी, वो पूरे दिन भर काम करती है, उसको हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, फिर दूसरी डोज देते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब सिंपल सा है कि अगर सपोज दैट जो एंटीबायोटिक है उसकी कंसंट्रेशन, जो सीरम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन है
वो मिनिमम कंसंट्रेशन, जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है उससे कम आ गई, ठीक है, उससे कम आ गई, उसके बावजूद भी वो क्या करेगी, काम करेगी, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स शो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं डोजिंग के बारे में, बात करते हैं कि जो हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की डोज फिक्स करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हम इसको दो टाइप से दे सकते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को, या तो हम ऐसी डोज दें कि दिन भर पूरा काम कर जाए, या फिर हम उसको मल्टीपल डोज थेरेपी दें। ठीक है, तो हम देखते हैं वंस डेली डोजिंग रेजिमेन क्या है। सिंपल सी बात है, देखिए फ्रेंड्स, जो वंस डेली डोज रेजिमेन है इसमें क्या होगा, पूरे दिन भर में हमें एक डोज देनी पड़ेगी। जब हम एक डोज देंगे तो वो क्या होगी, मल्टीपल डोज की अफेक्ट, मल्टीपल डोज के कंपेयर में क्या होती है, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब आप इसको बार बार डोज नहीं दे रहे, ठीक है, बार बार इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा रहे, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो होती है वो ज्यादा सेफ होती है एज कम्पेयर टू मल्टी डोज रेजिम की। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल डोज दी तो ऑटोटॉक्सिसिटी और जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के जो मेन एडवर्स इफेक्ट है उनका ज्यादा होने का चांसेस रहता है। आपने एक डोज देके छोड़ दी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, सेफ होती है ये वंस डेली डोजिंग रेजिम। और ये क्या होती है, कॉन्विशेंट भी होती है, मतलब पेशेंट एक बार ड्रग लेगा, किसी को आप तीन चार बार दे रहे हो, किसी को आप एक ही बार दे रहे हो, तो एक बार में क्या होगा, कंफर्टेबल रहेगा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल डोज, मल्टीपल डेली डोजिंग रेजिम के बारे में बात करते हैं। तो टोटल डेली डोज जो होता है वो दो या तीन डिवाइडेड डोज के अंदर क्या होता है, उस पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सारी बातें आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर हेल्पफुल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।